हम सीख रहे हैं मास्क बनाना, बहुत बढ़िया मास्क है और इस ये आपके फेस पे बनाएंगे मास्क, ठीक है, आपके फेस को हम ढक देंगे, बहुत सुंदर सा मास्क बनेगा। और उस मास्क बनाने, बहुत ही इंटरेस्टिंग मास्क है वो, पता है। और इंटरेस्टिंग मास्क को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है वो है एक ये पीओपी बैंडेज, पीओपी की पट्टी, पीओपी की पट्टी है जो प्लास्टर वगैरह के काम आती है, एक सीजर है इसको कटिंग करने के लिए, एक है वैसलिन, वैसलिन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। देखिए वैसलिन क्या है, हमें इनके फेस पर पीओपी चिपकाना है तो इसके फेस को वो लगे नहीं, आराम से हट जाए, उसके लिए पहले चेहरे पर बहुत अच्छे से वैसलिन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पानी भी ले लें इसको गीला करने के लिए। सबसे पहला काम क्या है, हमें ये जो पीओपी वाली जो पट्टी है इसके लगभग एक एक इंच वाले टुकड़े कर लेंगे इस तरह से, ये करना बहुत जरूरी है। छोटा सा फेस है, इतने काफी है। चलिए अब इसके बाद फेस पर बहुत अच्छे से वैसलिन लगा दें। वैसलिन इसलिए कि जब हम फेस पर पीओपी मास्क लगाएंगे तो वो बाद में आराम से उसे हम हटा सकें, इसलिए वैसलिन लगानी होती है। ग्लव्स वगैरह चाहे तो यूज करें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब इस जो पट्टी है, ये जो टुकड़ा है, इसको हम इस पानी में डिप करेंगे, डिप करके और इस तरह से इसको लगाते जाएंगे। बहुत सावधानी से ठीक से लगाएं, अच्छे से चिपकाएं फेस पर बहुत बढ़िया से। दूसरी स्ट्रिप लें, फिर से अच्छे से डुबोएं उसको और तुरंत निकाल लें इस स्ट्रिप को, अगर ज़्यादा देर इसमें रख लिया तो वो ख़राब हो जाएगी। और पहले इस तरह से आप लगा लें, ये लीजिए, चारों तरफ से पहले हम लगाएंगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा, साइड साइड में पूरा लगा लेंगे तो। ये देखो कहीं कहीं जैसे आँख वगैरह पे पट्टी उठी हुई रह जाती है, तो उस जगह को उंगली से थोड़ा सा दबा दें अच्छे से अंदर तक, जिससे चिपक जाए फेस पर, पूरी तरह चिपक जाए। आप यहाँ चाहें तो आँखों की जगह को खाली छोड़ दें, तो क्या होगा कि मास्क पहनते समय भी आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ हम इसको थोड़ा सा हॉरर रूप एक घोस्ट का मास्क बना रहे हैं, तो उसमें हम अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, अपने आंखें वगैरह अच्छे से पेंट कर पाएंगे, इसलिए हम इस तरह से इसको कर रहे हैं। और ये देखिए लिप्स पर, फेस पर, सब जगह पर हम बहुत अच्छे से इसकी दो से तीन लेयर तो कम से कम हर जगह आनी चाहिए, नहीं तो चार लेयर भी हो सकती है, पांच लेयर भी हो सकती है, और जितने लेयर होंगे उसकी डिटेलिंग खत्म होती जाएगी, हालांकि मजबूती उसकी बढ़ती जाएगी लेकिन डिटेलिंग जो है आंख नाक लिप्स की जो है डिटेलिंग खत्म हो जाएगी। ये लिप्स को देखिए बंद कर दिया, तो लिप्स आंख नाक ऐसी जगह पर सिर्फ दो से तीन लेयर ही रखें। ये देखिए लिप्स को और अच्छे से दिखाना है तो लेयर कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लिप्स का अच्छे से नहीं दिखाना क्योंकि हमें तो इसका भूत का मास्क बनाना है, इसलिए हम चाहे जितनी लगा सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ देखिए नाक सांस लेने के लिए नाक पर जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नाक पर इस जगह छोड़नी जरूरी है, लेकिन अभी क्या है थोड़ा सा ज़्यादा एरिया दिख रहा है, तो हम नाक के लिए एक पतली सी स्ट्रिप और काट लेते हैं और इसको यहाँ खड़ी लगा देंगे इस तरह से। देखिए वही डिप किया और नाक में इस तरह से खड़ी स्ट्रिप लगा दें, जिससे नाक का छेद तो बच जाएगा बाकी और कवर हो जाएगा, नाक थोड़ी ठीक सी लगेगी अब इस तरह से। ये देखिए नाक भी कंप्लीट, ये लीजिए, और मजबूती के लिए हमने लगा दिया है, तरह से हम पूरा फेस मास्क बनने के बाद पाँच सात मिनट रुक करके और फिर इस तरह से स्किन को देखिए, इस तरह से थोड़ा सा दूर करें, देख रहे हैं ये चारों तरफ से ऐसे स्किन को खींच करके मास्क को थोड़ा सा ढीला कर दें, फेस से थोड़ा सा वो हट जाएगा, अपने आप से हट जाएगा। तो इस तरह से चारों तरफ से स्किन को खींच करके इस तरह से आप मास्क को बहुत सावधानी से रिमूव करें इस तरह से। देखिए
धीरे धीरे, कहीं ज्यादा जल्दी की तो टूट सकता है, इसलिए धीरे धीरे से अंदर ऐसे साइड से उंगली डाल के और फिर उसको उठाएं। ये देखिए, और ये तैयार है आपका मास्क, एक स्टेप उसका तैयार है। इसको हम अब, ये देखिए, इस मास्क का एक स्टेप हमारे पास तैयार है। ये देखिए अंदर से कैसा दिख रहा है, बाहर से ये ऐसा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। अब इस ये पहला स्टेप हमारा तैयार है। अब आगे की कार्रवाई ये देखिए, यहाँ से इसको कैंची से काट देंगे, जिससे इसमें और फिनिशिंग आएगी। साइड से किनारे किनारे को, जो आड़ी टेढ़े आड़ी तिरछी जो किनारे हो रही हैं, उनको कैंची से थोड़ा सा काट दें, तो आपके मास्क में चारों तरफ से अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। और इस तरह से इसमें फिनिशिंग दे दें। ऐसा करने के बाद अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा। इसको हम कलर करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो देखिए, इसमें आँखों की इस जगह पर आप जगह रख सकते थे, या अब भी काट सकते हैं, या पहले जगह छोड़ सकते थे। जैसे नाक पे छोड़ी हुई है, नाक पे ये जो जगह छोड़ी हुई है सांस लेने के लिए, आँख पे भी इसी तरह की जगह छोड़ सकते थे, जिससे मास्क लगाने के बाद आप आराम से देख भी सकें। लेकिन ये हमने ये काम नहीं किया है। इसको पेंट करेंगे थोड़ा सा भूत का सा जैसा देने के लिए, ऐसी आँख हमें बनानी है। तो यहाँ से आप आँख ऐसी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, ये बहुत अच्छा है। ये आप भी जरूर ट्राई करना, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया था जब पापा ने मेरे फेस पे अप्लाई किया था। ठंडा ठंडा बहुत मजा आया था इस गर्मी में। और इस पे आप कभी भी पहनना चाहे तो इस पे पेंट करके और फिर पहन सकते हैं। तो इस तरह से इसमें पेंट हम कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो पेंट ले लें। इस मास्क बनाने का आपने देखा होगा, पुराने जमाने में आपने देखा होगा, या रामायण महाभारत जो सीरियल आते हैं उनमें कितने सारे मास्क यूज किए। पुराने जमाने में मनोरंजन के साधन सिर्फ रामलीलाएं और इस तरह के नाटक वगैरह हुआ करते थे, जब उनमें सिर्फ मास्क ही यूज किया जाता था। तो आज भी आप इस तरह का मास्क यूज करके आप अपना कोई भी रोल अदा कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हम मास्क बना रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें भूत टाइप का बना रहे हैं, इसलिए आँखों से खून बहते हुए इस तरह का रेड कलर यहाँ से निकाल दिया है। और इस तरह का आप कुछ भी अपनी मनपसंद का कुछ भी बना सकते हैं। इस मास्क को आप जैसा चाहें रूप दे सकते हैं, उसमें पेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो कलर हैं, कोई स्पेशल कलर नहीं है, पोस्टर कलर यूज कर रहे हैं। बहुत आराम से इजीली अवेलेबल है हर जगह, और आराम से आप इनसे कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आँखें थोड़ी डरावनी उस टाइप की हम बनाएंगे। मैंने बताया पुराने ज़माने में रामायण महाभारत सीरियल आपने ज़रूर देखे होंगे, उनमें हनुमान जी का रूप देखिए, उनमें जामवंत बाली सुग्रीव, वो सारे जो हैं सारे मास्क बना करके जो है, वो पात्र जो है सारे मास्क लगा करके ही बनाए गए हैं। तो इसलिए आप जैसा चाहे, आपको अगर कहीं कोई नाटक करना है, ऐसा कुछ करना है, आप उसमें इस तरह से मास्क बना करके अगर आप करते हैं, तो उस नाटक की कोई तारीफ किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि इससे वो सजीव हो जाता है। जो भी आप एक्टिंग कर रहे हैं, जिस पात्र की आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल सजीव हो उठता है और लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए आप जब भी कोई नाटक वगैरह करते हैं, तो आप जरूर से ऐसा मास्क बना करके और यूज करें। वैसे ये मास्क जो है, यहाँ हम सिर्फ बच्चों के लिए है, बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मास्क बच्चों को ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। आज भी बहुत सी आदिवासी संस्कृतियों में उनके जो ट्रेडिशनल डांस वगैरह हैं, परंपरागत उनके ऐसे बहुत से नाटक और डांस हैं, जिनमें वो आज भी जो है खुद मास्क बना करके और उनका जो है प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ऐसे हमने देखे ऐसे बहुत से, जैसे राजस्थान में एक गवरी करके एक डांस है, उसमें मैंने देखे बहुत से मास्क यूज करते हैं। ऐसे इंडिया में बहुत सी संस्कृति हैं जहाँ आज भी इस तरह के डांस और नाटक चलते हैं, जो जिनमें मास्क यूज किए जाते हैं। अब ये बनकर तैयार है और फिर देखिए। चलिए कुछ और अधूरा काम इसका पूरा करें। लिप्स वगैरह बना दें, रेड लिप्स,
जिससे और कुछ डरावना लगे। और आप ऐसा बना करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, यकीनन सब तारीफ करेंगे आपके मास्क की। यहाँ पर ये जो POP वाली पट्टी यूज़ की है, ये मेडिकल स्टोर पर आराम से इजीली, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये पट्टी जो है फ्रैक्चर वगैरह में काम आती है, किसी का कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो जाए तो उस पर लपेटते हैं, लपेट करके प्लास्टर किया जाता है, ये वो वाली पट्टी होती है। तो मेडिकल स्टोर पर बहुत आराम से ये आपको मिल जाएगी। और आप किसी भी तरह का मास्क बना करके और अपना क्रिएटिविटी विकसित करें, और चाहें तो नाक और मुंह से भी खून बहता हुआ बना सकते हैं। और अब इतना हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, इसको पहनने के लिए आजकल मास्क, फेस मास्क बहुत मिल रहे हैं, उनका जो इलास्टिक है वो आप यूज़ करें तो बेहतर होगा। यहाँ तो हम सिर्फ धागा लगा रहे हैं, तो आप इसमें इलास्टिक लगाएं, रबर वाला ये जो बांधने वाला धागा लगाएं, लेस लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, हम आराम से उसे पहन सकते हैं। पहनने को तो इससे भी पहन लेंगे, लेकिन इलास्टिक वाला पहनने में और सुविधाजनक होता है। और अभी आप देखिए, तैयार होने के बाद में ये आपका मास्क, साइड से और फ्रंट से आप देख रहे हैं, एकदम डरावना लग रहा है। अगर आपको किसी नाटक में, कोई सीरियल में कोई भूत का रोल करना है तो वो बिल्कुल सजीव हो जाएगा, एक्टिंग में रियलिटी आ जाएगी, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर मास्क पहन करके हम कोई एक्टिंग करेंगे। तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कई बार मार्केट से वो बंदर का या शेर का मास्क ले लेते हैं, तो ठीक वैसे ही बंदर का मास्क पहन करके बंदर की तरह उछल कूद करेंगे, शेर का मास्क पहन करके और शेर की तरह से एक्टिंग करेंगे, तो एक्टिंग अपने आप आ जाती है मास्क पहनने से, उस एक्टिंग में सजीवता आ जाती है। इसलिए कोई भी एक्टिंग करने से पहले इस तरह का मास्क बना करके पहन करके एक्टिंग करेंगे तो आपकी एक्टिंग कई गुना सुधर जाएगी।